रेडियो सिटी फंका एंटेना पेश करता है स्वतंत्रता के सेनानी। अहिंसा को अपना धर्म मानने वाले मोहनदास करमचंद गांधी स्वाधीनता संग्राम के राजनैतिक और आध्यात्मिक नेता थे। सन 1915 में भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आम जनता के हितों को लेकर उन्होंने अपनी आवाज उठाई। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। सन 1917 और 1918 में गांधी जी ने देश भर के लोगों को एकत्र कर अहिंसा पर बल देते हुए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय नागरिकों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और स्वदेशी चीजों को अपनाने पर जोर दिया। उनका मानना था, किसी को खुश करने या किसी संकट से बचने के लिए हाँ कहने से बेहतर है पूर्ण निश्चय से ना कहना। १९२० के दशक में गांधी जी की लोकप्रियता चरम पर थी। सन 1930 में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा भी की। सत्याग्रह, अहिंसा और सादगी को ही एक सफल मनुष्य जीवन के मूल मंत्र मानने वाले गांधी जी के इन्हीं आदर्शों से प्रभावित रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा अर्थात महान आत्मा का दर्जा दिया था। स्वतंत्रता के इस सेनानी को हमारा सलाम।